दिल्ली का चुनाव है। पूनम जी ने, कीर्ति आजाद जी ने, प्रियंका जी ने, पीसीसी प्रेसिडेंट ने आपको लोकल मुद्दों के बारे में बताया। एमएलए के भ्रष्टाचार के बारे में बताया। यहां की जो सड़कें हैं, जो यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बोला। और इन चीजों के बारे में शायद आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, क्योंकि आप इन सड़कों पे चलते हो, पानी पीते हो यहां का, तो आप जानते हो दिल्ली में किसने क्या किया, स्कूल किसने बनाए, कॉलेजेस किसने बनाए, यूनिवर्सिटियां किसने बनाई, मेट्रो किसने बनाया, एयरपोर्ट किसने बनाया, ये आप जानते हो, तो मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं। आज देश के सामने एक भयंकर मुद्दा है। हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, सही बात बोली थी, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, सही बात थी, सोच सही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल हो गए, केजरीवाल जी के हो गए, मोदी जी के हो गए, मैं दिल्ली के हिंदुस्तान के युवाओं से पूछना चाहता हूं, रोजगार आपको मिल गया क्या? दो करोड़ छोड़ो, यहां पे इस मीटिंग में एक युवा है, एक लड़का या लड़की है जो कह सकती है हां केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे रोजगार दिया है। हमारे युवा स्कूल जाते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, एग्जाम लेते हैं, और ये पूरा काम करने के बाद हिंदुस्तान उन्हें कहता है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है, हम तुम्हें रोजगार नहीं दे सकते, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे, तुम जिंदगी भर कुछ नहीं करोगे। यह आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। और दूसरी तरफ देखिए, जहां भी आप देखो, ये जो आपने टेलीफोन पकड़ रखे, इसके पीछे देखो मेड इन चाइना, अपनी शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। दुनिया के सब देश कह रहे हैं कि चाइना को बैलेंस करने की जरूरत है, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से कंपटीशन करके चाइना को बैलेंस करने की जरूरत है। और दुनिया के सब देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब के सब देश कह रहे हैं कि एक ही देश, एक ही युवा चाइना को बैलेंस कर सकता है, और इस उस देश का नाम हिंदुस्तान। और पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि जिस प्रकार चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, जिस प्रकार चाइना में फैक्ट्रियां लगाई गई, शांत हो जाए एक मिनट, पूरी दुनिया कह रही है जिस प्रकार चाइना में
फैक्ट्रियां लगाई गई, उसी प्रकार हिंदुस्तान में हम फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। आप जानते हो, मुझे कुछ ही दिन पहले पता लगा, आप जानते हो चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में, चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने युवा काम करते हैं आप जानते हो? कोई बता सकता है कि चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने चाइना के युवा काम करते हैं? मैं बताऊंगा, हिल जाओगे। हिंदुस्तान में 5000 लोगों की, 10000 लोगों की फैक्ट्री लगती है। चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में 12 लाख युवा काम करते हैं, एक फैक्ट्री में 12 लाख युवा। अब पूरी दुनिया कह रही है कि मेड इन चाइना को चैलेंज करने के लिए मेड इन इंडिया ही कर सकता है। पूरी दुनिया की कंपनियां कह रही हैं कि हम अपना पैसा, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम पैसा डालना चाहते हैं। हिंदुस्तान को उसी प्रकार की फैक्ट्री बनानी चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, केजरीवाल क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दिलवाना चाहता हूं, मुझे रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटना चाहता हूं। मैं इस देश में जो एकता थी उस एकता को नष्ट करना चाहता हूं, मुझे नया हिंदुस्तान चाहिए, हिंसा वाला हिंदुस्तान, नफरत वाला हिंदुस्तान, महिलाओं पर बलात्कार वाला हिंदुस्तान, बेरोजगारी वाले हिंदुस्तान, मुझे तो वो हिंदुस्तान चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी हूं, मुझे पुराने हिंदुस्तान की जरूरत नहीं। एक तरफ पूरी दुनिया देखती है, कहती है भैया हम मेक इन इंडिया को सफल करना चाहते हैं, मगर वो जो पुराना हिंदुस्तान, प्यार वाला हिंदुस्तान, एकता वाला हिंदुस्तान, वो हमें चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं चाहती, बाकी देश चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई देश चाइना का मुकाबला कर सकता है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान। और बटा हुआ हिंदुस्तान, टूटा हुआ हिंदुस्तान, हिंसा का हिंदुस्तान, नफरत का हिंदुस्तान कभी भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं भैया, राहुल गांधी की बात नहीं है, हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में हथकड़ी बंद रखी है। आप ये बात समझिए, जब तक हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से हथकड़ी नहीं टूटी जाएगी, तोड़ी जाएगी, तब तक हिंदुस्तान चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। और आज इस भाषण को, बहुत सारे युवा देख रहे हैं, सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, टेलीविजन पे देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आपको शायद गलतफहमी है, आपको शायद लगता हो कि आपने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, पूरा दम लगाया, सालों आपने काम किया, एग्जाम लिए, क्यों किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और आज आपको लगता होगा कि सामने रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, दीवार खड़ी है आपके सामने, आपको लगता होगा। और कभी कभी आपके दिल में यह भी सवाल उठता होगा कि कहीं आप में कमी तो नहीं है, कहीं रोजगार ना मिलने का कारण आप में कोई कमी तो नहीं है। और मैं आपको इस स्टेज से बताना चाहता हूं, आप गलत फहमी में मत आइए, आप में कोई कमी नहीं है,
मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना के युवा अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके बारे में कहा है और मैं आप में पूरा भरोसा करता हूं, हिंदुस्तान के युवाओं में पूरा भरोसा करता हूं कि जिस दिन आपके हाथ से ये हथकड़ियां उतार दी गई उस दिन मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, केजरीवाल जी ने क्या किया, झूठ बोल के। देखिए हमारा इतिहास है, झूठ बोल के वो सत्ता में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ, किसानों को सही दाम देने का झूठ, इकोनॉमी को खड़े करने का झूठ, केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में झूठ बोलकर ये लोग सत्ता में आए हैं। जो झूठ बोलकर सत्ता में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके लिए काम कर ही नहीं सकता, उसमें वो दृष्टि नहीं है जो आपके लिए काम कर सकता है। वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं, अपनी सत्ता के बारे में, अपने पावर के बारे में, और कुछ सोच नहीं है। और जो भी उनसे बुलवाना हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी हो, मोदी जी हो, जो भी आप उनसे बुलवाना चाहो, सत्ता के लिए जो भी बुलवाना चाहो वो बोल देंगे, 2 मिनट में बोल देंगे। मगर प्रदेश को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए विजन की जरूरत होती है, शब्दों से नहीं बनता, सोच की जरूरत होती है। मुझे आप बताइए केजरीवाल जी ने कितने नए स्कूल खोले, 0। मुझे आप बताइए केजरीवाल जी ने कितने फ्लाईओवर बनाए, मुझे आप बताइए एयरपोर्ट कितने बनाए, मुझे आप बताइए मेट्रो कितनी बनाए। ये सच्चाई है। पीसीसी प्रेसिडेंट ने शुरुआत में बोला, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने बोला कि जब आपके माता पिता दिल्ली आए, कांग्रेस पार्टी ने आपकी मदद की, दिल्ली के दरवाजे आपके लिए खोले, उस समय आपका जब रेगुलराइजेशन हुआ था, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं, एकदम बिना रजिस्ट्रेशन फी के आपको अपना हक मिला। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमने आपको हक दिया। अगर हक दिया, इतना डिमांड है, तो फिर सिर्फ 20 लोगों को रजिस्ट्रेशन, 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, आपको पता लगेगा कि लाखों रुपए की रजिस्ट्रेशन फी लगेगी। आपको यह भी पता लगेगा कि आप में से 40% लोगों को अपना हक मिलने ही मिलेगा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते मैंने आपको हक दिया, सच्चाई है आपको हक नहीं मिला है। आप ये अपने आप से ये सवाल पूछिए, नरेंद्र मोदी जी ने हक दिया तो चुनाव से कुछ ही महीने पहले क्यों दिया, 5 साल से उनकी सरकार है, कुछ ही दिन पहले क्यों दिया। केजरीवाल जी ने फ्री में बिजली दी, कुछ ही महीने पहले, चुनाव से पहले क्यों दिया। क्योंकि चुनाव के एकदम बाद आपको सच्चाई दिखाई देगी। ये कांग्रेस पार्टी का तरीका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दिल्ली को खड़ा करना है
तो आप ही लोग कर सकते हो, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली की जनता ने किया। हमने आपकी यहां मदद क्यों की, आप इस बात को अच्छी तरह समझिए। हमने, आप सोचोगे, आप अपने आप से सवाल पूछो, हमने जवाब यहां आए, जब आपके माता पिता आए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट पाकिस्तान से आए, उसके बारे में बताऊंगा आपको। पिछली मीटिंग में हमारे कैंडिडेट के बारे में बताना चाहता हूं आपको, मगर खैर, जब आप यहां आए, हमने आपकी मदद क्यों की, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हिंदुस्तान हो, आपके दिल के अंदर, आपके खून के अंदर झंडे की कोई जरूरत नहीं है, आपके दिल के अंदर वो झंडा धंसा हुआ है, अंदर है वो, उसको कोई निकाल नहीं सकता, आपके खून के अंदर वो झंडा है, उसको निकाल नहीं सकता कोई, ये सच्चाई है। इसीलिए हमने आपकी मदद की, इसलिए हमने आपके लिए दरवाजे खोले, क्योंकि आप हिंदुस्तान हो, आपकी बात हम सुनते हैं, आपके ज्ञान की इज्जत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा, जैसे प्रधानमंत्री जाकर रेड फोर्ट पे कहते हैं 70 साल से हिंदुस्तान हाथी सो रहा था, नरेंद्र मोदी आया तो फिर हिंदुस्तान जगा। किसका अपमान कर रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं, ये आपके माता पिता का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, अगर इस देश में कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, अगर इस देश में कुछ हुआ है तो हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान के मजदूरों ने किया। हम सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, हम सिर्फ आपका आदर करते हैं, आपके ज्ञान का आदर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, और ये हम करते रहेंगे। जहां जाते हैं देश को बांटते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान आप सबके दिल में है, कहीं भी चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, पूछिए, किसी से भी पूछिए, गरीब से गरीब व्यक्ति से पूछिए, 2 मिनट बात करिए, वो आपको बता देगा मैं हिंदुस्तानी हूं, दिल में, खून में हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहते हैं और अपने हर भाषण में एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़वाते हैं, एक हिंदुस्तानी और दूसरे हिंदुस्तानी के बीच में नफरत फैलाते हैं। ये किस प्रकार का देशभक्त है, ये किस प्रकार के देशभक्त हैं जो हिंदुस्तान को दिन भर 24 घंटे बांटने का काम करते हैं। छोटी सी बात, पिछली मीटिंग में हमारे कैंडिडेट ने मुझे बताया, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, दोहरा देता हूं यहां पे, मुझे कहता है 15-20 साल पहले मैं पाकिस्तान गया, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में जाके मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुझे जेल में डाल दिया। मुझे आप एक बीजेपी का कार्यकर्ता दिखा दो, एक बीजेपी का कार्यकर्ता दिखा दो जिसमें इतना दम है कि पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दे। कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है, याद रखिए, अंग्रेजों को यहां से भगा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, गोली खाई थी, हम डरते नहीं है, और हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, आरएसएस बीजेपी से डरने वाले हैं नहीं। मगर आपको एक बात समझनी है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बिना रोजगार के
बिना अगर हमने अपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो इस देश का, इस प्रदेश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। जो आज यहां आपको माहौल दिख रहा है उससे 10 गुना खराब माहौल दिखेगा। जो आज आपको हिंसा हिंदुस्तान में दिख रही है उससे 10 गुना हिंसा आपको हिंदुस्तान में दिखेगी अगर हमने अपने युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाया। और मैं आपको सीधा बता रहा हूं, ना केजरीवाल, ना नरेंद्र मोदी, ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी इस काम को पूरा कर सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा कर सकती है। और आप देखो, पांच साल पहले नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने चुना, 6 महीने पहले चुनाव जीते, युवाओं ने उनको एक काम दिया था, किसानों ने एक काम दिया, युवाओं ने एक काम दिया, किसानों ने कहा हमें सही दाम दिलवाओ और युवाओं ने कहा हमें रोजगार दिलवाओ। 5.5 साल नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं का टाइम जाया किया है और आज हिंदुस्तान का युवा बात समझ गया है, विश्वास तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं का, और सिर्फ सत्ता के लिए। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी में दम होता तो नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेज में आके कहते 6 साल में जो मैंने आपसे वायदा किया मैं उस वायदे को पूरा नहीं कर सका, अब मैं पूरा दम लगा के उस वायदे को पूरा करूंगा। मगर बजट के भाषण में आप देखना, कल परसों नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट एड्रेस पर भाषण देंगे, देखना नरेंद्र मोदी रोजगार के बारे में हिंदुस्तान के युवाओं को बोल ही नहीं पाएंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। मैंने आज प्रेसिडेंट का भाषण पढ़ा, उसमें रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं लिखा है। और आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो बताइए केजरीवाल जी, दिल्ली के युवाओं और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के युवाओं को बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में रोजगार के लिए इनके लिए क्या किया। इनको बताइए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद ये क्या करेंगे। इनको बताइए ये अपने माता पिता के देखभाल कैसे करें। इनको बताइए अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं। आप नहीं बता पाओगे, कांग्रेस पार्टी बता सकती है, कांग्रेस पार्टी एक काम करके दिखा सकती है। यहां हमारी कैंडिडेट है पूनम जी, इनको आप भारी बहुमत से जिताइए, ये आपके लिए काम करेंगी, दिल से काम करेंगी। और कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे बाकी कैंडिडेट्स को आप जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।